हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम लोग पढ़ रहे हैं इंग्लिश रेनबो का चैप्टर 4, डंकी एंड द डॉग। अ वॉशरमैन हैड अ डंकी एंड डॉग। एक धोबी के पास एक गधा था और एक कुत्ता था। एवरी मॉर्निंग ही यूज्ड टू गो टू द रिवर टू वॉश क्लोथ्स। प्रत्येक सुबह वह अपने कपड़े धोने के लिए नदी के पास जाता था। द डंकी यूज्ड टू कैरी द लोड ऑफ क्लोथ्स। और जो उसका गधा था वो उसके कपड़े के भार को ढोता था। ही यूज्ड टू लिव इन अ शेड आउटसाइड द मास्टर्स हाउस। वह अपने मालिक के घर के बाहर छप्पर में रहता था। एंड द डॉग यूज्ड टू स्टे इनसाइड द हाउस द होल डे लॉन्ग। और जो कुत्ता था पूरे दिन घर के अंदर ही रहता था। इन द इवनिंग शाम को द डॉग यूज्ड टू फील हैप्पी टू सी हिज मास्टर। कुत्ता अपने मालिक को देखकर बहुत खुश होता था। ही यूज्ड टू लिक हिज मास्टर। वह अपने स्वामी को बड़ा प्रेम से चाटता था। एंड जंप ऑन हिम। और उसके ऊपर कूदता था। द मास्टर यूज्ड टू लिफ्ट डॉग इन हिज आर्म्स एंड टेक हिम इनसाइड द हाउस। तो उनका स्वामी कुत्ते को अपनी भुजाओं में उठा लेता था। एंड टेक हिम इनसाइड, और उसको अपने घर के अंदर ले जाता था। सीइंग दिस, इसको देखते ही द डंकी ऑल्सो वॉन्टेड टू लिव इन द हाउस। डंकी वो गधा भी घर के अंदर रहना चाहता था। मे बी, काश, इफ आई ऑल्सो जम्प ऑन हिम लाइक द डॉग, सोचता है कि मैं भी कुत्ते की भांति उनके ऊपर कूदता, ही विल श्योरली लिफ्ट मी टू इन हिज आर्म्स। तो वह मुझे भी अपनी गोद में उठा लेते। एंड कैरी मी इनसाइड द हाउस, और मुझे घर के अंदर ले जाते। द डंकी थॉट, ये गधा सोचता था। द नेक्स्ट इवनिंग, दूसरी संध्या को द डंकी वेंट इनसाइड द हाउस। वो गधा उस घर के अंदर चला गया। ही जंप्ड ऑन हिज मास्टर। वह अपने स्वामी के ऊपर कूदा। एंड बिगन टू लिक हिम, और उसको चाटने लग गया। द मास्टर डिड नॉट लिव द डंकी। तो मास्टर ने, स्वामी ने उस गधे को गोद में या अपने पास अपने भुजाओं में नहीं उठाया। ही टुक हिम टू द शेड। वह उसको उसके छप्पर तक ले गया। पैटिंग द डंकी, डंकी को थपथपाते हुए, द मास्टर सेड टू हिम, स्वामी ने अपने उस गधे से कहा, यू आर नॉट लाइक द डॉग, तुम कुत्ते की तरह नहीं हो। यू आर मच बिगर, तुम बहुत बड़े हो, सो यू कैन नॉट कम इनसाइड द हाउस, इसलिए तुम घर के अंदर नहीं आ सकते हो। द मास्टर फर्दर एडेड, मास्टर ने आगे कहा, यू आर ऑल्सो हैवी, तुम भारी भी हो, एंड इसलिए सो यू मस्ट नॉट जम्प ऑन मी, इसलिए तुमको मुझ पर कूदना नहीं चाहिए। आई कैन लिफ्ट द डॉग, मैं कुत्ते को तो उठा सकता हूँ, बट आई कैन नॉट लिफ्ट यू, लेकिन मैं तुमको नहीं उठा सकता। बट आई लव यू, लेकिन मैं तुमको प्यार करता हूँ, एज मच एज, उतना ही जितना कि आई लव द डॉग, मैं कुत्ते से प्रेम करता हूँ उतना मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ। यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट यू आर डिफरेंट, तुमको ये समझना चाहिए कि तुम भिन्न हो। तो स्टूडेंट्स, इस कहानी से हमको शिक्षा मिलती है, वी शुड नॉट ट्राई टू कॉपी अदर्स एज ईच वन ऑफ अस इज यूनिक। हम लोगों में से किसी को एक दूसरे की नकल नहीं करनी चाहिए या प्रयास नकल करने का नहीं करना चाहिए। एज, चूंकि ईच वन ऑफ अस, हम में से प्रत्येक इज यूनिक, यूनिक मतलब अद्वितीय है, मैचलेस है। वीडियो को पॉज करके ये वर्ड मीनिंग्स अपनी कॉपीज में लिख ले। लोड, लोड मीन्स भार। शेड, शेड मीन्स छप्पर। लिफ्ट, लिफ्ट मीन्स चाटा। लिफ्टेड, ऊपर उठाया। पैटेड, थपथपाया। अब पढ़ते हैं इस पार्ट के क्वेश्चन आंसर। व्हाट डिड द डंकी यूज टू कैरी? द डंकी यूज टू कैरी द लोड ऑफ क्लोथ्स। वेरी गुड। Why could the washerman not lift the donkey? Washerman ने donkey को अपने हाथों में क्यों नहीं उठाया? The donkey was too big and too heavy to be lifted by the washerman. हाँ, क्योंकि donkey बहुत बड़ा था, उसको गोद में नहीं लिया जा सकता था, इसलिए नहीं उठाया। How did the washerman show his love for the dog? Washerman ने अपने डॉग के प्रति प्यार दिखाने के लिए क्या किया? The master used to lift the dog in his arms and take him inside the house. हाँ, तो वो अपने गोद में उसको उठाता था और उसको घर के अंदर ले जाता था, इस प्रकार से उसको प्यार करता था। Why did the donkey want to live in the house? वह डंकी
मास्टर के घर के अंदर क्यों रहना चाहता था? द डंकी वॉज जेलस ऑफ डॉग हु लिव्ड विद द मास्टर इन द हाउस, सो इट ऑल्सो वॉन्टेड टू फाइट इन द हाउस। अच्छा, इसीलिए वो चाहता था क्योंकि वो सोचता था कि मैं डॉग की भांति ही अंदर मास्टर के साथ रहूं। What did the washerman tell the donkey? The washerman told the donkey because that the donkey was too heavy to lift to be lifted. Yes, donkey भारी था लेकिन मास्टर उससे उतना ही प्यार करता था लेकिन वो donkey को गोद में नहीं ले सकता था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, Why should we not copy others? हमें दूसरों की नकल क्यों नहीं करनी चाहिए? We should not copy others because we are all unique and different from others. बहुत अच्छे, very good. अब चलो करते हैं match the following. Donkey. Donkey का match किससे होगा? Carried the load of clothes. Yes. The master lifted the dog in his arms. Very good. The dog stayed inside the house. Very good. The master told the donkey That he was much bigger. बहुत अच्छे, अब भरेंगे fill in the blank. Copies में देखें कुछ words हैं different, shared, lick and patted. तो Atul's grandfather space him for his bravery. Patted. Patted. Patted means थप्पीट पे थपथपाना. Number two space your ice cream before it melts. तो क्या भरेंगे? Lick. Lick मतलब इसको खा लेना चाहिए आइसक्रीम से पहले पिघल जाए। The balloon seller was selling balloons of different colors. भरेंगे यहाँ पे different. People keep their cattle in shed. Shed. हम भरेंगे यहाँ पे shed. और बाकी बच्चे जो अपना कार्य इस पाठ का है आप स्वयं करें, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक भी करें। चलो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेसन में। ओके, गुड बाय।